हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे एकेटिव में काउंसलिंग के लिए लिंक नहीं पा रहे हैं, वो लिंक कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लिंक आपको दो तरीके से मिल जाएगा। एक कि आप गूगल मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक करिए aketu.ac.in। ये सर्च करेंगे मोबाइल में तो होगा क्या, ये खुल करके आएगा। पहला वाला इंटरफेस खुल करके आ रहा है aketu.ac। इसी पर क्या कर दीजिए, इसी पर क्लिक कर दीजिए। अब ये चीज़ जो है, नीचे आप आएंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ URL uptech.admission.nic.in। यही आपकी काउंसलिंग का लिंक है, यही आपका क्या है, यही आपका काउंसलिंग का लिंक है। यूपी टेक वाला ही क्या है, आपका काउंसलिंग का लिंक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें ओपन हो जाएंगी। या आप क्या कर सकते हैं, या आप दूसरा तरीका डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, यूपी टेक। देखिए ये सर्च करने पूरा आ गया, आया क्या आपका सर्च करने पे, ये पूरा आया uptech.admissions.nic.in। यही आपका मेन लिंक है। अब इस पर क्लिक करेंगे जब, तो क्या होगा, वैसे ही आपको खुल करके आ जाएगा इंटरफेस। ये इंटरफेस खुल करके जब आएगा नीचे, तो यहाँ पे आ गया आपका CUET UG काउंसलिंग फॉर अदर यूजी प्रोग्राम्स के लिए आपका लिंक खुल करके आ गया। तो जो है, अब ये खुल करके आ गया, अब फिर क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। किस पे, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG काउंसलिंग। इस पर क्या करेंगे, 17/10/2027 जो लिखा हुआ है, ये चीज़ जो है इस पर क्या कर देंगे, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यही आपका लिंक है काउंसलिंग का, CUET UG काउंसलिंग का। अब इस पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ये चीज़ खुल करके आ गया। तो ये ऊपर जो आ रहा है ना, ये जो पहले से जो एक बार लॉग इन कर चुका है, साइन इन कर चुका है, उसके लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, तो आपको इस पे नहीं जाना है, आपको आना है इस पे नीचे। किस पे आना है आपको, आपको आना है इस पे, आना है किस पे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले पे आना है। इस पे आएंगे, इस पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ये चीज़ आ जाएगा, आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद ये चीज़ आ गया, खुल के क्या आ गया आपका, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे बनना है CUET रोल नंबर बनना है, यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे CUET एप्लीकेशन नंबर बनना है, यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे कैंडिडेट नाम बनना है, यहाँ पे क्या मदर नेम हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसको जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन डाल देना, फिर सबमिट कर देना है। ये सबमिट कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल खुल करके आ जाएगा। सबमिट करने के बाद होगा क्या, पूरा का पूरा प्रोफाइल खुल करके आ जाएगा। इसके बाद जो है, आप आराम से जो है काउंसलिंग प्रोसेस में जो है आगे बढ़ सकते हैं। आगे अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे पास कोई किसी का डिटेल रहता तो मैं फिल करके आपको और चीज़ें आगे का भी प्रोसीजर दिखा देता, आगे किस प्रकार से होगा। खैर, मेरे पास नहीं है तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।